चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्नों से, जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं, और एग्जाम में पूछे गए जो जितने भी प्रश्न हैं वो भी जो है कि इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर एक से शुरू करेंगे और देख भी सकते हैं ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके बाद कुछ वीडियो में आपके लघुतरी और अति लघुतरी जो और दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ, तो शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम कराते चलेंगे आपको। कह रहा है कि यदि ए बराबर, देखिए एक ए बराबर दिया हुआ है, तो यह ए बराबर दिया हुआ है 1 0, इसके बाद 2 और 2 3 और दिया है 5। इसके बाद बी बराबर दिया है आपका 2 3 और 7 दिया है, इसके बाद 1 2 और कितना दिया है 3। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निकाल दीजिएगा 3a+, आप जो है b निकालो, कि 3a+ b का मान जो है आपका क्या होगा, जो कि ये 2013 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या कि आपसे पूछ रहा है कि 3a और प्लस जो है आप सबका पूछा हुआ है b, 3a+ b निकालना है, यानी कि यहाँ पर 3a+ b आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, करें कि 3 से जो है कि a वाले में गुणा करेंगे, आप b वाले को जोड़ देंगे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 से a वाले में गुणा, तो यहाँ पर कर दोगे, या मैं लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ, 1 0 2 2 3 और क्या 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा b, b वाला मान क्या क्या है, b वाला मान है 2 3 7, इसके बाद 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा, देखो 3 एकम हो जाएगा 3, 3 2 6 और 3 3 हो जाएगा 9, 3 0 3 2 6 और 3 5 हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 3 7 और 1 2 और क्या हो जाएगा 3। अब इन दोनों अब यूहों को ऐड करना है, तो जोड़ दीजिएगा, 3 2 हो जाएगा 5, 6 3 हो जाएगा 9, 9 और 7 हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, 0 और +1 हो जाएगा 1, 6 + 2 हो जाएगा 8 और 5 + 3 हो जाएगा कितना 18। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया। ये देखो जितने भी चीज़ें हैं हम बेसिक कंसेप्ट में हम आपको बताए भी थे, पढ़ाए भी हैं बेसिक कंसेप्ट में किस तरह से आपको क्या करना है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर एक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको मैं लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर दो की तरफ, ठीक है। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर दो क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न है कि a बराबर दिया हुआ है 2 5 1 3, a बराबर दिया हुआ है आपका 2 5 1 और क्या दिया हुआ है 3, और यहाँ पर कह रहा है कि a इनवर्स जो है आप निकालो, कि a इनवर्स जो है क्या होगा, a इनवर्स यानी a इनवर्स का जो है कि मान ज्ञात कीजिए, कि a इनवर्स का जो है कि मान आपका क्या होगा। तो a इनवर्स का मान निकालने के लिए देखो सबसे पहले ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है, आपको पता ही है कि हमने बताया हुआ है कि ए इनवर्स इजिकल टू होता है 1/ सारणी ए, और इसके बाद होता है ए डी जे, एडजॉइंट क्या होता है ए, इतना चीज़ें आपकी होती हैं, ये आपका होता है सूत्र, यानी कि ए इनवर्स का ये सूत्र है। हम लोग जो है कि ए इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब जो ये आपकी सारणी है, यदि सारणी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब आप जो है कि ए इनवर्स निकाल सकते हो। चलो तो देखो यहाँ पर जो सवाल है आपके पास इतना है, देखो अगर यहाँ पर अस्तित्व है तो उस कंडीशन में ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अस्तित्व का मतलब यह हुआ कि इसका जो सारणी का मान है यदि 0 नहीं आता है तो वो अस्तित्व में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि सारणी ए नॉट इजिकल टू 0, तो यह होगा अस्तित्व। तो अस्तित्व कंडीशन में आपका हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा 1/ सारणी ए, इसके बाद ए डी जे एडजॉइंट आपका क्या हो जाएगा ए। ये अस्तित्व की कंडीशन है, किसी कंडीशन है अस्तित्व रहेगा तो ये कंडीशन आप बना सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ए बराबर आपका दिया गया है 2 5 1 और कितना है 3,
इसका पहले सारणी मान आप निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2, 5, 1 और क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर त्रिक गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 1 × 5 = 5। तो यहाँ पर सारणी ए इजकल टू हो जाएगा आपका 1। सारणी ए का मान 1 आ गया। अब इससे हम लोग निकालेंगे सखंड, क्या निकालेंगे सह जो है खंड निकालेंगे। तो सखंड के लिए आपको हमने सूत्र बताया हुआ था कि ए आई जे इजकल टू होता है -1 का पावर होता है आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यही होता है। चलिए तो सखंड निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा ए 11 इजकल टू -1 के सर पे, देखो आई और जे को जोड़ेंगे, एक एक कितना हो जाएगा 2 × m 11 इजकल टू, देखो -1 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा गुणे एम 11, देखो 11 m 11 एम 12 चलेगा, m 21 और 22, तो एम 11 ये 2 है, 2 के सामने जो भी आएगा छूट जाएगा, ये छूटेगा बचेगा क्या 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पर इसमें देख सकते हो या इसमें देख सकते हो, इसके बाद ए 12 आपका हो जाएगा -1 के सर पे, देखो 2 × 1 = 3, इसके बाद एम 12 इजकल टू हो जाएगा -1 का 3 बार गुणा करोगे तो -1 गुणे आपका हो जाएगा एम 12, 11 12 ये छूटेगा और ये छूटेगा, यानी कि बच गया क्या 1 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1। इसी के साथ आप निकालोगे ए 21, 11 12 हो गया 21 और 22, ए 21 हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 2 और 1 = 3 हो जाएगा गुणे एम जो है आपका हो जाएगा 21, -1 का 3 बार गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 गुणे एम 21, 21 ये छूटेगा और ये छूटेगा, कितना बच जाएगा 5, यहाँ पर गुणा करोगे तो हो जाएगा -5। अब यहाँ पर हो जाएगा ए 22 इजिकल टू -1 के सर पे हो जाएगा 3, 2 × 2 = 4 हो जाएगा ना, एम यहाँ पर हो जाएगा 22, -1 का 4 बार गुणा करोगे 1 हो जाएगा एम 22, देखो 21 और 22 ये छूटेगा और ये छूटेगा, कितना बच गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा इजिकल टू 2। तो अब देखो एडजॉइंट बनाओ, ए डी जे एडजॉइंट ए जब हम लोग बनाएंगे तो इसका होता है क्या, देखो 11 12 इस तरह से पंक्ति में आप स्तंभ में लिखेंगे 11 12 को तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, इसके बाद 21 22 यानी कि -5 और क्या हो जाएगा 2, तो ये है आपका क्या, यहाँ पर आपका निकल के आया है एडजॉइंट। बोलो किसी भी बच्चे को यहाँ पे परेशानी तो नहीं हो रही है कि एडजॉइंट जो है कैसे हम लोग निकालें, एक चीज़ मिस्टेक लग रही है हमको, 11 12 -1 है ना, यहाँ पर होना चाहिए -1। बोलो किसी को यहाँ पे दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये आपका निकला हुआ क्या एडजॉइंट, यानी कि आपका निकल चुका है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इजकल टू आपका होता है 1/(1/) सारणी ए का मान चाहिए, जो कि सारणी ए का मान 1 है, तो यहाँ पर रख दोगे 1, इसके बाद एडजॉइंट का मान रख देना है 3 -5 1 और 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए इनवर्स इजकल टू 3 - 1 - 5 और कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना जो है आपको करना था स्टेप बाय स्टेप, समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए सवाल, तीसरा सवाल किस तरह का है देखो, तीसरा भी सवाल बहुत आसान सवाल है और देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरह का सवाल है तीसरा नंबर। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर को, तो तीसरे नंबर में आपके 2 सवाल हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें आते हैं लेकर के आपको, प्रश्न नंबर 3 का पहला, ठीक है, पहले में आपका है, पहले में आपका दिया हुआ है x+2y - z, इसके बाद x+y दिया हुआ है, इसके बाद कंडीशन है z - z, ये z - z नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ मिस्टेक दिया हुआ, इसमें मैं देख लेता हूँ, z - z नहीं होना चाहिए, x - z, क्या है x - z आपका है z। अब ये जो आपका अभी है दिया हुआ है, कह रहा है कि 3, 4 और 1, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि x, y और कामा
का मान बताना है, एक्स वाई जेड का मान बताना है क्या आपका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए तो हल करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, देखो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, यानी कि यहाँ पर x प्लस टू वाई माइनस जेड जो है इजिकल टू, अवयव की तुलना करो, ये पहला अवयव है c1 का और ये भी c1 है, ये दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, ठीक c1 का c1, देखो इसमें भी एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है, तो इसका वैल्यू इसके साथ, इसका वैल्यू इसके साथ, इसका वैल्यू इसके साथ तुलना करेंगे, ये बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y इजिकल टू हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड x माइनस जेड इजिकल टू हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। तीन समीकरण आपको दिया गया। अब देखिए समीकरण एक का जो मान है, समीकरण तीन का जो मान है उठा करके समीकरण नंबर दो एक में क्या करो, रखो, देखो x माइनस जेड यहाँ पर है और x माइनस जेड का मान 1 है, तो लिखोगे क्या कि समीकरण एक में समीकरण तीन से मान रखने पर, चलिए रखेंगे समीकरण एक में, तो यहाँ पर है x सजा दीजिए, x माइनस जेड हो जाएगा और प्लस टू वाई इजिकल टू हो जाएगा 3। अब इसके जगह पर आपका मान 1 है तो 1 रख दोगे, प्लस टू वाई इजिकल टू हो जाएगा 3, और यहाँ से आपका हो जाएगा टू वाई इजिकल टू हो जाएगा 3, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 1, टू वाई इजिकल टू हो जाएगा 2, वाई इजिकल टू हो जाएगा 2 बाई 2, तो यहाँ से वाई इजिकल टू हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा कितना हो जाएगा 1, ठीक। एक आंसर मिल चुका है वाई का मान। अब यही वाई का मान जो है हम लोग समीकरण नंबर दो में रखें तो एक्स का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो में एक्स बराबर, सॉरी वाई बराबर ना, समीकरण दो में वाई बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण दो है आपका एक्स प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 4, यहाँ से एक्स प्लस 1 इजकल टू हो जाएगा 4 और x इजिकल टू हो जाएगा 4, हाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 1, x इजिकल टू हो जाएगा 3। अब जब x का मान निकल गया तो x का मान समीकरण नंबर तीन में रखेंगे तो z का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या y और x का मान जो है समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो भी z का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए तीसरे में हम लोग आते हैं, लिखोगे समीकरण तीन में x बराबर 3 रखने, तो यहाँ पर यह है x माइनस जेड इजिकल टू 1 है, x का मान रखेंगे 3 माइनस जेड इजिकल टू 1, माइनस जेड इजिकल टू हो जाएगा 1, हाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 3, तो माइनस जेड इजिकल टू हो जाएगा माइनस 2, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर जेड इजिकल टू हो जाएगा 2, ठीक। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर, यहाँ पर भी आ चुका है फाइनल आंसर और ये भी जो है आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें था, y बराबर आपका 1 आ गया, x का मान 2 आ गया, 3 आ गया और z का मान आपका जो है कि आपका 2 आ गया, तो x का मान 3, y का मान 1, z का मान 2, ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है, इस तरह से आपको करना था इसको। चलिए दूसरा सवाल क्या है, देखो दूसरा सवाल बिल्कुल सिंपल है, इसका दूसरा सवाल क्या है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद दूसरे की तरफ बढ़िए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा सवाल मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से दूसरा सवाल करना। तो दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तीसरे का दूसरा, देखो भाई तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, यहां पर हो जाएगा तीसरे का दूसरा। चलो तीसरे का दूसरा क्या है ध्यान दीजिएगा, सवाल है a इजिकल टू है 1, 2, 2, -1, a इजिकल टू है 1, 2, 2 और -1, इसके बाद b इजिकल टू है
1 0 1 0 टू और 1। और यहाँ पर कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर और माइनस जो है बी स्क्वायर निकालो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो तुम लोग। ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए इंटू ए निकालना है, ठीक है। चलिए तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर इजकल टू ए, ए का मान दो बार रखना पड़ेगा 1 2 2 और माइनस 1। इसके बाद फिर ए का मान रखना पड़ेगा 1 2 2 और माइनस 1। अब यहाँ पर ये आर वन होगा, ये क्या हो जाएगा आर टू, और ये सी वन है और ये क्या है सी टू। सी वन को ऐसे पकड़ोगे ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। गुणा करिए तो यहाँ पर आपका बनेगा ए स्क्वायर बन रहा है, तो 1 से 1 में 1 हो जाएगा प्लस, 2 दुनी के हो जाएगा 4, 2 एकम हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर सी टू को लेंगे ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा सी टू यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 2, 2 दुनी के हो जाएगा 4 और माइनस 1 से माइनस 1 में प्लस क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 में से 2 घटा 0, यहाँ पर 2 में से 2 घटा 0 और यह हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये आपका ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर का मान, किसका मान निकालेंगे बी स्क्वायर का मान। चलिए बी स्क्वायर को निकाल कर देखते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डॉट बी, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। बी का वैल्यू रखेंगे यानी कि 1 0 2 और 1, बी का मान रखेंगे 1 0 2 और 1। इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, देखो आर वन आर टू सी वन और क्या हो जाएगा सी टू। सी वन को पकड़ोगे ऐसे रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। गुणा करेंगे तो हम लोग का बनेगा क्या 1 एकम 1 प्लस 0 से 2 में गुणा 0, यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस 1 2 2, ठीक है। अब देखो फिर सी टू को उठाओगे ऐसे रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1। चलिए तो 1 0 0 और ये हो जाएगा प्लस 0, 2 0 0 प्लस 1 एकम हो जाएगा 1 और यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा बी का स्क्वायर इजकल टू 1 0, 2 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 2 और ये बन गया ए 4, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर का मान रखो, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पर है 5 0 0 5 माइनस बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर कहाँ है ये है, तो यानी कि 1 0 4 और क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हो जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 और ये हो जाएगा माइनस 4 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब यहाँ पर हो गया ये फाइनल आपका आंसर 4 माइनस 4 और 4 0, ये जो है आपका आंसर हो। इस तरह से आपको करना था, 3 क्रम वाला भी रहेगा, जैसे ये 2 क्रम की कंडीशन थी, 3 क्रम के लिए रहेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो 3 क्रम का भी स्क्वायर इस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो उसमें 3 आपके पंक्ति बनेंगे, 3 स्तंभ बनेंगे। ये 2 क्रम का था तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ बना, तो ये दोनों सोल्यूशन हो गया। प्रश्न नंबर 3 का 2 था तो मैंने दोनों करा दिए। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे नंबर में आपके 2 क्रम के 3 क्रम के हैं तो 3 क्रम का आपको करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा है कि अभी हुआ आपका दिया गया है ए बराबर इतना, और ये कह रहा है कि और ए स्क्वायर माइनस 2 ए का जो है कि मान ज्ञात कीजिए कितना आपका हो। चलिए वैसे ही करना है, पहले तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए का निकालना, तो पहले हम लोग को ए स्क्वायर चाहिए, तो चलिए हम लोग फटाफट ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए डॉट क्या बनेगा ए, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इजकल टू, ए का वैल्यू 2 बार हमको पुट करना पड़ेगा 1 4 और 3, 2 3 1 3 2 4, इसके बाद 1 2 3 4 3 2, इसके बाद 3 1 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये R1 है, R2 है और ये क्या है R3 है, C1 C2 और C3,
तो यहाँ पर निकलेगा ए स्क्वायर बराबर, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। सी वन को पकड़ेंगे ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4 3, ए के कम एक हो जाएगा, 2 चौ के हो जाएगा प्लस 8, प्लस 3 तिली के हो जाएगा 9, 1 4 हो जाएगा 4, प्लस 3 चौ के हो जाएगा 12, प्लस 3 दूनी के हो जाएगा 6, 1 3 हो जाएगा 3, प्लस 1 4 हो जाएगा 4, प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब इसी तरह से सी टू को ऐसे पकड़ेंगे ऐसे घुमाएंगे तो यह बनेगा आपका क्या, 2 3 और 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 1 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 1 3। नीचे वाले में आएंगे तो 4 दूनी के हो जाएगा 8, प्लस 3 तिली के हो जाएगा 9, प्लस 2 1 2। इसके बाद 3 दूनी के हो जाएगा 6, प्लस 1 3 3 हो जाएगा, प्लस 4 1 4। अगला सी थ्री को पकड़ेंगे ऐसे बैठाएंगे हम लोग, इसके बाद इसको आप पकड़ोगे, सी थ्री को पकड़ोगे ऐसे बैठाओगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है। देखो बहुत सिंपल है, हमने बेसिक कंसेप्ट में भी आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखो ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 और क्या हो जाएगा 4। देखो 1 3 हो जाएगा 3, प्लस 2 2 के हो जाएगा 4, प्लस 3 चौ के हो जाएगा 12, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस हो जाएगा 3 2 के हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा 2 चौ के 8, 3 1 3 3 के 9, प्लस 1 2 2, प्लस हो जाएगा 4 चौ के 16। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा जो है कि यहाँ पर देखो 9 8 आपका हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा 18, ठीक। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। अब देखो 12 4 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 6 3 9 9 2 हो जाएगा 11, 8 देखो यहाँ पर 9 3 9 2 11 हो जाएगा, 11 8 हो जाएगा 19, 6 3 9 9 4 हो जाएगा क्या 13। इसके बाद देखो 12 4 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, और देखो 12 6 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26। यहाँ पर देखो 9 2 11, और 11 में 16 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2 27, यानी कि ए स्क्वायर मिला 18 18 22 और 19, 11 19 और यहाँ पर 13 हो गया, 19 26 और कितना हो गया 27। अब यहाँ पर कह रहा था कि ए स्क्वायर माइनस 2 है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं। हम लोग को निकालना था ए स्क्वायर माइनस 2 ए बनाना था। चलिए देखिए ए स्क्वायर का मान हम लोग पता ही चल गया है, अब यहाँ पर हो जाएगा 18 22 और 19, इसके बाद 11 और 19, और इसके बाद क्या हो जाएगा 13, इसके बाद 19 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 27 माइनस। इसके बाद ए 2a यानी कि ए ए वाले आव्यूह में 2 से मल्टीप्लाई, ए वाला आव्यूह यही है ना, अब इसमें एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई करके रख दिया जाए तो 2 1 हो जाएगा 2, 2 2 के हो जाएगा 4, 2 3 हो जाएगा 6, 2 चौ के हो जाएगा 8, 2 3 6, 2 2 के 4, 2 3 6, 2 1 2, और 2 चौ के 8। बोलो किसी को यहाँ पे डाउट नहीं हो रहा होगा, यानी कि आपका बन गया ये टोटल मान आपका बना हुआ है, ठीक है। 2 8 6, इसके बाद 4 6 2, इसके बाद 6 4, और इसके बाद जो है 8 6 4 8, यहाँ पर कैसे बन गया 8 4 है ना, 4 दूनी के होना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पर कैसे रख दिया है 2 चौके 8, 2 चौके 8 होना चाहिए लेकिन 5 रखा हुआ है, ठीक है, गलत रख दिया उसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाइए, 18 माइनस 2 यानी कि 18 माइनस 2 यानी कि 18 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 11 माइनस 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 19 में से 6 घटेगा आपको कितना हो जाएगा, 19 में 6 घटेगा आपका हो जाएगा 13, 22 में से 8 घटेगा यहाँ पर हो जाएगा 14 यानी 14 8 22 हो जाएगा, ठीक है, 19 में से 6 घटेगा आपका हो जाएगा 13, सही है ना,
26 में से 4 घटेगा आपका हो जाएगा 22, 19 में से 6 घटेगा आपका हो जाएगा कितना 13, 13 में से 2 घटेगा आपका हो जाएगा 11, 27 में से 8 घटेगा आपका हो जाएगा 19। यानी कि ये जो है फाइनल आंसर हम लोगों का आ चुका है, ठीक है। यानी कि 16, 14, 13, इसके बाद 7, 13, 11, इसके बाद 13, 22 और कितना है 19, ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे हम लोगों का आ चुका है, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप हमने बता रखा है किस तरह से आपको करना है, ठीक। तो ये जो है कि 4 नंबर का था, 5 नंबर में भी आपको ए स्क्वायर निकालना है। चलिए हम लोग 5 नंबर का देख लेते हैं कि 5 नंबर में भी ए स्क्वायर कैसे निकालना है और निकाल करके आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 5 नंबर जो है आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर कमेंट द्वारा हमें बताएंगे कि आंसर आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 5वां नंबर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो हम लोग आते हैं 5वें नंबर पे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। इसी तरह से सेम निकालना है 5वां नंबर, और आपको आंसर कमेंट करके बता देना है कि हाँ आंसर जो है आपका इतना आ चुका है, वो जो है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपके लिए, क्वेश्चन नंबर क्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। सवाल क्या है देखिए, सवाल है कि यदि आबिहू दिया हुआ है, सवाल है कि ए बराबर आबिहू आपका दिया गया है कि ए बराबर है 1, 2 और 2, इसके बाद 2, 1 और क्या है 2, इसके बाद 2, 2 और 1, और यहाँ पे आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 3 ए। देखिए सेम सवाल आपका वही है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके कमेंट द्वारा हमें बताओगे कि आपका कितना आंसर फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्रश्नों को कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जो है कि अगले प्रश्न से, जो कि इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चनों का सोल्यूशन अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन आपका सोल्यूशन कराया गया है, एग्जाम में पूछा गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि ये आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। हमारे साथ नए जुड़े होंगे, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले